नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में बड़ी खबर छतरपुर से, जहां छतरपुर के जिला अस्पताल में 3 कोरोना वायरस के संदिग्ध भर्ती कराए गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो डरने वाली बात नहीं है, एक अच्छी बात है कि 3 संदिग्धों को यहां भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसे घर जाने के लिए बोल दिया गया है। ये संदिग्ध जर्मनी से लौटा था और जिसके बाद इसे 15 मार्च को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। इसकी रिपोर्ट का सैंपल भोपाल एम्स भेजा गया था, जहाँ से इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा 2 अन्य लोग भी जिला अस्पताल में आइसोलेट किए गए हैं, जिनमें से एक मजदूर है जो मथुरा से लौटा है और दूसरा दुबई से एक युवक लौटा है जो पढ़ाई के सिलसिले में दुबई गया था और दुबई से लौटने के बाद उसे सर्दी जुकाम के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर एस त्रिपाठी ने बताया कि जिला अस्पताल में आए 3 संदिग्धों में कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जिसको लेकर कहा जा सके कि ये कोरोना से संक्रमित हैं, फिर भी इन्हें एहतियात के तौर पर यहाँ आइसोलेट किया गया है। देखिए, वो जापान से नहीं आया था, जर्मनी से एक व्यक्ति आया था जो सात 8 तारीख को आया था जर्मनी से, और उसको अपन खबर मिली तो अपन को 14 तारीख को खबर मिली थी, अपन 14 तारीख को उसको भर्ती किया था स्क्रीनिंग करने के लिए। हालांकि उसको कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी जो कि जर्मनी से आया था वो प्रभावित क्षेत्र था, वो तो एहतियातन के तौर पर उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और उसकी जांच करने के लिए उसका थ्रोट स्वाब कल्चर भेजा गया था और थ्रोट स्वाब कल्चर उसका नेगेटिव आया है और उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं है। उसकी पूरी तकलीफ है आने, उसको ऐसे था भी नहीं, ना खांसी थी, ना उसको बुखार था, ना उसको चेस्ट में कोई तकलीफ थी, ना सांस लेने में तकलीफ थी, फिर भी एहतियात तौर पर उसका जाँच सैंपल के लिए भेजा गया था और वो जाँच का सैंपल नेगेटिव आया है। तो आज उसको घर जाने की अनुमति दे दी गई है और उससे कहा गया कि अभी 14 दिन तक वो होम आइसोलेशन में रहे और कोई दिक्कत पड़ती तो सूचना देवे और हमारे स्वास्थ्यकर्मी समय समय पर उसकी परीक्षण करते रहेंगे।